ठीक है शोएब शाहीन साहब, मुझे आप बताइएगा कि आप लोग भी प्लान कर रहे हैं, क्या प्लान है आपका? सड़कों पे निकलेंगे आप? वैसे बाय द वे मौलाना साहब के साथ कोई हो सकती है बातचीत आप लोगों की? देखिए, हमारा तो प्लान ऑलरेडी तैयार है, हमने तो बाकी पार्टी वैसे से बात वैसे कर आप ली लोगों है। को प्रैक्टिस भी है इस चीज़ की, ये धरने देने की, लॉन्ग मार्च करने की? सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल से आप लोगों का एक्सपीरियंस है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो कुछ हुआ है 8 फरवरी को और 9 फरवरी को, ये सारी कौम जानती है, सारी दुनिया जानती है, सारी पब्लिक जानती है, पूरी इंटरनेशनल मीडिया जानता है, नेशनल मीडिया जानता है। आप जिस तरह फॉर्म 47 के फोर्जरी करके फॉर्म 45 में ये इक्तदार पे काबिज़ हुए हैं, वो हर किसी को पता है। अब हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि भाई इसको ऑडिट करके जुडिशल कमीशन के ज़रिए जिसको हक हुक्मरानी अवाम ने दिया है उनको आने दें, और ये जो एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह खिलवाड़ कर रही है इस मुल्क के साथ, वो नहीं होना चाहिए। उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और जिस अंदाज से उन्होंने इंटरफेरेंस की है, जिस तरह इनको मुसल्लत किया है और जिस तरह ये इंटरिम सेटअप के लोग मुसल्लत किए गए हैं, वो इनके ऊपर भी, वो सबको पता है। और ये जिस तरह कठपुतलियों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, शहबाज शरीफ की सूरत हो, खा मोहसिन नकवी हो, खा काकड़ हो या कोई बाकी बंदे हों, तो जिस अंदाज से ये हक हुक्मरानी जिन लोगों को दिया जा रहा है वो सारा गलत है, और इस गलती को रेक्टिफाई करें। आप अवाम को हकीकी नुमाइंदा तस्वर करें, और हकीकी नुमाइंदे वो होंगे जिनको अवाम हक हुक्मरानी दे, और उसके बाद मुल्क के मामला बेहतरी की तरफ लेके जाएँ। वरना ये सियासी अदम इस्तेहकाम भी होगा, माशी अदम इस्तेहकाम भी होगा, मुल्क की मईशत भी ख़राब होगी, और इन्होंने बिजली गैस के बिल बढ़ा के इस मुल्क के लोगों पे एक अजाब मुसल्लत करना है। ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। जब हमारा मामला है, हम पार्लियामान के अंदर भी और पार्लियामान के बाहर भी, जो हमें आईन और कानून और अख्तियार देता है, हम उसके मुताबिक इंशाल्लाह एहतजाज भी करेंगे, और हमारा ये हक है। वेलकम बैक शोएब शाहीन साहब, मुझे सिर्फ एक छोटा सा सवाल ये पूछना है कि 126 दिन का धरना दिया आपने, उस वक्त आपकी जो दोस्ती थी वो पीक पर थी, एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक पेज पर थे, उस वक्त आप गवर्नमेंट नहीं गिरा सके जब आपकी आपको लग रहा था कि बड़ी अच्छी सपोर्ट है। अब आपके पास तो शायद वो मरासिम भी नहीं है, वो रवाबित भी नहीं है, वो कॉरिडोर्स भी नहीं हैं, वो दोस्तियाँ भी नहीं हैं, अब आप लोग क्या इम्पैक्ट डालेंगे? एक बात जहन में रखें, हमने हुकूमत गिरानी या ना गिरानी ये सेकेंडरी बात है, ये हुकूमत अपने बोझ से खुद गिर जाएगी, इनके पास कोई कैपेसिटी नहीं ये है। ये तो आप जरदारी साहब वाली लाइन बोल रहे हैं जो उन्होंने पार्लियामेंट में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के लिए कही। मैं आपको बताऊँ ना, इनके पास ना तो अखलाकी जवाब है, ना कानूनी और आइनी जवाब है, जिस तरह ये लोग बैठे हुए हैं, ये एक झूठ का सहारा लेके एक चोरी और डाका जनी के ऊपर मबनी ये हुकूमत बनाई गई है, और जिस मुख्तदर तबके ने बनाई है वो सबको पता है, और ये इस झूठ की कोई वैलिडिटी नहीं है, इसलिए कि इनके अपने बंदे अब बोल पड़े हैं, इनकी अपनी जो इत्तेहादी जमातें हैं अब वो बोल पड़ी हैं। कोई शख्स इस अनसर्टेन कैफियत में इन्वेस्टमेंट लाने को तैयार नहीं है, कोई इनको लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है। तो इस तरह ना मुल्क चला करते हैं, ना कोई कौमें और मुल्क तरक्की किया करते हैं, जिस अंदाज से ये चला रहे हैं ये नहीं चल सकता इस तरह। और लेकिन शेख शाहीन साहब, प्रॉब्लम ये आप लोग आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, ये शायद मीडिया पे चल रहा है, लेकिन अमेरिका तस्लीम कर चुका है गवर्नमेंट को, बाकी लोग मुबारकबादी पैगाम भेज रहे हैं, वो तो अपना काम बड़े स्मूथली स्टार्ट भी कर चुके हैं, तो मुझे बताएं कि इम्पैक्ट जिस हल्के पे आपने इम्पैक्ट डालना है वो भी खामोश है, वो भी दे आर प्लेइंग गुड। देखें, इसलिए नहीं है, एक है बाजार, दूसरा है कौन सा इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल चैनल, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर जिसने ये ना लिखा हो कि ये सारी धांधली की पैदावार है, दूसरा नेशनल चैनल ने या किसी नेशनल मीडिया ने ये ना लिखा हो कि ये धांधली की पैदावार है। पूरे आप देखें, लोकल आपके तीन इदारे हैं जो इलेक्शन को डील करते हैं, पटन का आप रिपोर्ट पढ़ लें, फाफन की रिपोर्ट पढ़ लें, पिल्डाट की रिपोर्ट पढ़ लें, जो कुछ इन्होंने किया है इसको कोई लेजिटिमेसी नहीं है। मुझे बताएं इनके पास कौन इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, क्या ओवरसीज लाएंगे, क्या इंटरनेशनल इन्वेस्टर आएगा? इनके अपने जो लीडर हैं पीएमएलएन के, वो ये कहते हैं कि ये 2-4-6 महीने की हुकूमत है, ये वैलिडली इलेक्टेड लोग नहीं है, इनके अपने लोग कह रहे हैं। और इनका अपना उन्होंने सार चीमा साहब ने क्या कहा कि जी सुबह आकर मुझे कहा गया कि आई जी आप अपना नोटिफिकेशन ले लें, मैंने कहा जी मैं तो आ चुका हूँ, मैं क्यों ले लूँ?
मुस्तफ़ा आप पीएमक्यूएम ने जो कुछ कहा वो आपके सामने है कि जी ये खुद कह रहे हैं कि हमारा 60% जाली है, तुम्हारा 100% मैंडेट जाली है। कामरान तस्तूरी ने क्या कहा जिसको वो एडमिट करते हैं। बात यह है कि अगर इस तर्ज हुकूमत से ना कभी माजी में ऐसी हुकूमत आई ना आइंदा कभी आएगी, जो कुछ ये करना चाह रहे हैं। अब 70 अरब रुपए का इलेक्शन का आपने ढोंग और ड्रामा रचाया और आपने एक 20 रुपए के बाल पॉइंट के जरिए सारे वो रिजल्ट उठा करके डस्टबिन में डाल दिए अपने, उसमें सारी टेम्परिंग और 4G करके। इस तरीके से भी कभी हुकूमत कभी चली है, जब आपकी एक मुस्तहकम हुकूमत नहीं होगी उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती उसके बगैर, और आपका जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, डॉलर इनफ्लो नहीं होगा, आप कैसे हुकूमत को चला सकेंगे? सिवाय इस बात के बिजली गैस के बिल बढ़ाते चले जाओ बढ़ाते चले जाओ, बेरोजगारी करते जाओ, 22% 25% सूद कर रख लो और कोई इन्वेस्टमेंट ना आए, कोई फैक्ट्री ना लगे, और 25 करोड़ आवाम को तबाह बर्बाद करके दरियाफ्त करना है। आपने कैसे चला कल में नहीं, ये मुल्क क्यों के चलने के ढंग नहीं है। इनको जितना जल्दी हो इसको एहसास करना चाहिए, मुल्क 25 करोड़ आवाम पे एहसास करना चाहिए। अच्छा पता है मुल्क का एहसास करना चाहिए। हाँ मैं बताऊँ आर्नी क्या है। आर्नी ये है कि 2013 के इलेक्शन हुए तो हमने कहा जी ये ज़्यादती हुई है, धांधली हुई है, शोर भी था, उसके बाद हमने देखा कि एक 2014 में धरना भी हुआ, लेकिन ऐसे लगा कि चलो इसके बाद शायद मामला ठीक हो जाएंगे। फिर 2018 आ गया और लिटरली वही टेलीकास्ट रिपीट हुआ, बल्कि उससे बुरे तरीके में, बुरे अंदाज में। फिर हमें लगा शायद अब की बार हमने ये सबक सीख लिया है। फिर 2024 आन पड़ा। अब 2024 के इलेक्शन में सिचुएशन ये है कि अभी भी हमें ये उम्मीद है कि शायद ये आखिरी टेलीकास्ट है जो हम देख रहे हैं, रिपीट टेलीकास्ट, इसके बाद शायद नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये दोबारा भी हो सकता है और हमें इसके चांसेस भी पता है, रोशन रोशन चांसेस हैं।